नमस्कार दोस्तों, ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन एक प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कि एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, ऐसे प्रश्न आपको दोस्तों जब भी एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग सब कुछ दिया गया हो, तो उसके लिए अपने सबको पता है, आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि इन सभी प्रश्नों को बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल किया जाता है। किसके अनुसार? बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल किया जाता है। जिसका मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। बी का अर्थ क्या हो गया? कोष्ठक। ठीक है, ओ का अर्थ होता है का। ओ का मतलब क्या होता है? का, या जिसे अपन कहते हैं ऑफ। ठीक है, और डी का मतलब होता है भाग। डी का मतलब क्या होता है? भाग यानी कि डिवीजन। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। बाद में एम का मतलब गुणा। एम का मतलब क्या हो गया दोस्तों? गुणा होता है। ए का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। ए का मतलब हो गया जोड़। और एस का मतलब होता है बाकी। ठीक है, एस का मतलब बाकी। तो ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों इसी के आधार पर ही किए जाते हैं, मतलब ये इधर से इधर यूं किए जाते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। ठीक है, उसके बाद में का जो होता है वो प्रश्न में लिखा गया होता है वो बाद में हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है का। ठीक है, तो यह का जो है वो ब्रैकेट के बाद में हल होगा यानी कि ऑफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। बी का अर्थ ब्रैकेट, ओ का अर्थ का यानी कि ऑफ, डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है दोस्तों सबस्ट्रक्शन यानी कि बाकी। ठीक है, तो यह होता है बोर्ड मार्क्स का फुल मतलब। तो इसमें ये ओ जो है इसका मतलब काफी लोगों को पता नहीं होता है। ओ का अर्थ होता है ऑफ या फिर का। ठीक है, तो अभी अपन इसे हल करें। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बाद में इस का को सोल्व करेंगे। तो बी यानी कि ब्रैकेट ये सबसे पहले सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए इस कोष्टक में लिखा गया है ये 10 + 14/3। अगर ये भाग जाता 14 में 3 का तो अपन इसे काट देते हैं, लेकिन 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इसे इस प्रकार लिख देते हैं। ये आ गया, ये सबसे पहले सिर्फ इतना ही हल कर रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 + 14/3 - 1। अभी इसको हल कैसे करेंगे? तो दोस्तों लसप लेना पड़ेगा। तो इसके बट्टे में भी 1 है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 आ जाएगा दोस्तों लसप। फिर 3 का इससे इसमें 1 का 3 में भाग कितनी बार? 3 बार जाएगा। 3 से 10 से गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 30। प्लस 3 का 3 में भाग 1 बार जाएगा, इस 3 का 3 में भाग 1 बार, 1 का 14 से गुणा करेंगे 14 ही रहेगा। फिर माइनस का ये अपॉन में 1 है, 1 का 3 में भाग 3 बार जाएगा, और 3 का 1 से गुणा करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा। जिसको लसप वगैरह आसानी से आते हैं उनको तो ये सिर्फ बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ये किसी को नहीं आते हैं तो दोस्तों उससे समझाना भी पड़ता है, इसलिए उनको भी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 30 और 14 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 44। कितने हो जाएंगे ये? 44। ठीक है, माइनस 3/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 41/3। ठीक है, इस पूरे कोष्टक का अंदर का मतलब हो गया 41/3। तो अभी अपने को इसका मान पता चल गया है। तो अभी अपन क्या करेंगे? अभी इसका जो हल होगा वो इस प्रकार से होगा, ये 10 सही 1/3 / 5/3। अब ये का जो अर्थ है वो होता है गुणा। का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा होता है। अभी ये गुणा लिख दिया, क्या आया था? 41/3 आया था। अभी दोस्तों ये भाग जो है इससे पहले ये का वाला हल होगा, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, भाग से पहले क्या हल होगा? का वाला। तो सबसे पहले इसको हल करना है इतने को। ठीक है, तो अभी अपन इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 10 सही 1/3 तो एज इट इज रहेगा, ये भाग का निशान भी एज इट इज रहेगा। अब सबसे पहले ये हल हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 9 होगा, और 5 का 41 से गुणा करेंगे तो 5 एकम ये 5 का 5, फिर 5 चौके 20, ये लिख दिया 20, यानी कि 205/9 आएगा। अभी क्या आया दोस्तों? ये ध्यान रखना, ये वाला 205/9, मतलब 10 सही 1/3 / 205/9। तो ये लिख देंगे 10 सही 1/3 / 205/9, ये आया था। अब दोस्तों आपको भी पता है अगर भाग का चिन्ह हटाना है तो अपन क्या करेंगे? गुणे में परिवर्तित करते ही यह भिन्न उलट जाती है या पलट जाती है। ठीक है, तो अभी अपन क्या लिखेंगे? 10 सही 1/3 ये गुणा लिखेंगे ना जब, तो 205/9 था तो अभी ये 9/200
पांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 9/205। अब ये भी आपको हल करना आना चाहिए कि दोस्तों कि 10 सही 1/3 को हल कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की भिन्न को गुणा करने के लिए, मतलब हल करने के लिए, सबसे पहले 3 का 10 से गुणा करेंगे और बाद में इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 3 × 10 30 और 1 31, ये हो गया 31/3, सेम टू सेम 3 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हल कैसे किया दोस्तों, ध्यान रखना, इसका हल इस प्रकार से किया गया है, इसका इससे तो गुणा करना है और बाद में जो भी आए उसमें 1 ये ऊपर वाला जोड़ देना है। तो 10 × 3 30 और 1 31, तो हो जाएगा 31/3 इंटू में क्या था दोस्तों, 9/205। तो अभी ये 3 से, तो ये 9 कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार। तो आंसर आएगा 3 × 31/205। तो ये 3 × 31/205, अब कट नहीं रहा है तो दोस्तों अपने को मजबूरन नहीं काटना है, ठीक है। तो 3 × 31 कर देते हैं, 3 × 1 = 3, फिर 3 × 3 = 9, यानी कि 93/205 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। अगर ये ऑप्शन में हो तो राइट होगा, तो ये बिल्कुल अपने को दिख रहा है बी ऑप्शन जो है वो 93/205 है, तो इसका राइट आंसर बी है, यही आंसर की भी माना गया और यही करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।